तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कंडीशनल्स की। तो कंडीशनल सबसे पहले क्या होता है? कंडीशनल्स होते हैं जो कि एक किसी भी कंडीशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आज बारिश ना हुई, ठीक है, अगर आज बारिश ना हुई तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाऊँगा, अगर बारिश होती है तो फिर मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट है, इसलिए और ये जो है हमारा जो टॉपिक है कंडीशनल्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे मोस्टली प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें इफ़ और एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करना होता है, ठीक है। तो गाइस चलो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और फिर अब हम लोग कंडीशनल्स को प्रैक्टिकली यूज़ करना सीखते हैं, ठीक है। तो गाइस हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और सबसे पहले मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर लिया जिसको मैंने नेम दिया conditionals.py, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाऊंगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इफ और else स्टेटमेंट बनाएंगे और उसके बाद हम elif स्टेटमेंट बनाएंगे। elif होता है else if, कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा हो, ठीक है। तो वो भी हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा x, जिसको हम वैल्यू देंगे int की और मैं यहाँ पर लिखूंगा इनपुट। इनपुट का यूज़ करके हम बनाएंगे और हम लिखेंगे एंटर अ नंबर, ठीक है। और वो नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूंगा एक और, हम बना लेते हैं ऐसा ही सेम, जिसको मैं लिखूंगा इंट, वो भी हमारा इंटीजर टाइप होगा और उसके अंदर भी हम एक इनपुट वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ना इफ स्टेटमेंट यूज करूंगा। तो इफ स्टेटमेंट को मैं लिखता हूँ इफ, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स इक्वल्स टू, हमारे जो इफ स्टेटमेंट्स में हम लोग ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं तो वो इक्वल्स टू या फिर हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, या फिर लेस, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू भी, जिसमें हम एक्सक्लामेशन मार्क को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पता है तो आप उसके लिए मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, ऑपरेटर्स इन पाइथन, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ एक्स इक्वल्स टू इक्वल्स टू, यानी कि एक्स किसके इक्वल है, मैं लिख देता हूँ 1 के फॉर एग्जाम्पल, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अभी हमें वाई की कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसे कॉमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ एक्स इक्वल्स टू 1 और फिर हम लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पर लिख देंगे एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं प्रिंट एक्स, ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिंट एक्स, तो वो एक्स की ऑब्वियसली 1 प्रिंट करेगा अगर एक्स की वैल्यू आपने भी 1 टाइप की होगी। या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, हम इसे सेव कर लेंगे और मैं अब इसे रन करूँगा। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है एंटर अ नंबर, मैं करूँगा 2, तो आप देखिए इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया क्योंकि हमने इफ स्टेटमेंट में दिया था अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो वो प्रिंट करेगा करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब मैं एक्स की वैल्यू को 1 प्रिंट करूँगा, ठीक है, इनपुट में मैंने डाला 1 तो इसने डाला करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा इफ स्टेटमेंट। या फिर अगर मैं इसमें एक एल्स स्टेटमेंट ऐड कर दूँ कि अगर ऐसा ट्रू नहीं है तो फिर वो कुछ और वैल्यू रिटर्न करे रादर देन कि वो कुछ भी प्रिंट ना करे जैसे अभी वो करता है, इसलिए अब हम लिखेंगे एल्स, यहां पर मैं लिख दूंगा प्रिंट, यहां लिख देता हूं इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ एच, ठीक है, हम इसको सेव कर लेते हैं और अब मैं इसे रन करूंगा।
ठीक है, अब जैसे वन के केस में तो हमने देख लिया वो करेक्ट वैल्यू प्रिंट करता है, अगर मैं यहाँ पर नाइन लिखूँ तो आप देख सकते हैं इसने प्रिंट किया इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स। तो रादर देन कि कुछ आउटपुट ना निकले इसलिए हम एल्स का भी यूज़ करते हैं। अब हम एलिफ स्टेटमेंट को देखते हैं, तो एलिफ होता है कि अगर फर्स्ट वाली जो हमारी इफ स्टेटमेंट है अगर वो हमारी नीड को सेटिस्फाई नहीं करती है। अब जैसे अगर उसने कहा x इज इक्वल टू वन, अगर हमारा जो है x वन के नहीं टू के इक्वल है, तो हम यहाँ पर एक न्यू क्रिएट करेंगे एलिफ जिसमें हम लिखेंगे x इक्वल्स टू टू, और अब हम यहाँ लिख देंगे प्रिंट, लिख सकते हैं करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ x, ठीक है, करेक्ट वैल्यू वैल्यू ऑफ x, हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अब क्या है, अगर x की वैल्यू 1 नहीं है तो वो कहेगा क्या 2 है, अगर 2 भी नहीं है तो फिर वो कहेगा इनकरेक्ट है। ऐसे हम और भी बहुत सारी वैल्यूज हम क्रिएट कर सकते हैं स्टेटमेंट, सॉरी एलिफ स्टेटमेंट्स। तो अगर मैं यहाँ पर 2 करूँगा तो आप देख सकते हैं करेक्ट वैल्यू, वैल्यू की स्पेलिंग रॉन्ग होगी, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको 2 दूंगा वैल्यू तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पर ये प्रिंट करते हैं करेक्ट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये है हमारा एलिफ का फंक्शन, आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे अनकमेंट करके अगर अब हम लोग इसमें और भी चीज़ें को यूज़ कर सकते हैं जैसे एंड और नॉट, जैसे नॉट एंड और ये सब चीज़ों का भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कहीं पर दो वैल्यूज़ के लिए कोई एक स्टेटमेंट चूज़ करनी है, ठीक है। अगर मैं आप लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कर दूँगा, ठीक है, सेम यहाँ पर यही करूँगा एंड वाई, और सेम यहाँ पर एंड वाई भी कर दूँगा। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दूँ एंड, अगर मैंने लिख दिया एंड वाई इक्वल्स टू 8, ठीक है, सेम वे मैं यहाँ पर भी करूँगा एंड वाई इक्वल्स टू 4, तो ये हमें ये वैल्यूज प्रिंट करेगा। अब जैसे ये 2 इनपुट्स लेगा हमसे, जैसे एंटर वन, एंटर अ नंबर मैं लिखूँगा 1, फिर मैं करूँगा एंटर अ नंबर इसमें कर दिया 8, तो आप देख सकते हैं करेगा करेक्ट वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर मैं यहाँ पर कुछ और डालूँ लाइक 2 एंड 4 डालता हूँ तो ये कहेगा करेक्ट वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर मैं कोई डिफरेंट वैल्यू डालूँ तो देखें अब ये क्या प्रिंट करेगा, डालूँ तो गाइस अगर मैं कोई और एक वैल्यू डालूं, जैसे मैं डाल देता हूँ एक 7, दूसरी में डाल देता हूँ 3, तो आप देख सकते हैं इसने प्रिंट कर दिया इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो ये था एंड फंक्शन का यूज। अगर हम यहाँ पर ये एंड में ये क्या होता है कि मिनिमम दोनों की दोनों वैल्यूज जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। अगर मैं जैसे एक को 1 और एक को 3 कर दूँ तो आप देखें कि ये इनकरेक्ट दिखाएगा, एक को 1 एक को 3, तो आप देख सकते हैं इनकरेक्ट वैल्यू दिखाएगा क्योंकि एंड यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए कि हमारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हों, ठीक है। अगर यहाँ पर हम और यूज़ करें तो और में कंडीशन एक और आ जाती है कि या तो ये सही है या तो वो सही है, तो इसलिए हम वहाँ पर और का यूज़ करते हैं, ठीक है, आइदर और। तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर में डालूँ 1 और सेकेंड नंबर में डालूँ 5, तो ये करेगा करेक्ट वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक आइदर वैल्यू करेक्ट होनी चाहिए, इसलिए हम इसमें और का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर इसलिए हमें आपसे y को रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। और अगर मैं आपको एक और जो हमारा इसमें थर्ड टाइप होता है उसका भी दिखा देता हूँ, वो है नॉट, ठीक है। उसके लिए हमें एक ही वेरिएबल की ज़रूरत है, जैसे x का ही हम कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ पर भी जैसे इसको हम यहाँ पर लिखेंगे एलिफ नॉट, सेम वे यहाँ पर भी नॉट। तो अगर
x की वैल्यू 1 नहीं है तो ही वो प्रिंट करेगा करेक्ट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। एंड y को हम हटा देंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर मैं इसमें 1 डालूंगा तो वह इनकरेक्ट शो कर देगा, अगर मैं अब इसमें 1 डालूंगा तो ये इनकरेक्ट शो करेगा। कैसे? 1 डाला और इसको एक बार के लिए हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, y को हम कमेंट आउट कर देते हैं, तो गाइस अब हम लोग अपने नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ देख लेते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ 1 वेरिएबल की ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम नॉट का यूज़ करेंगे, सॉरी, अब हम इसे सेव करेंगे और अब हम इसे रन करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले आपको एक बार क्लियर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली वो विजिबल हो जाए। तो सबसे पहले हम एक नंबर डालेंगे, अगर मैं डालता हूँ 6, तो इसने दिखाया करेक्ट वैल्यू ऑफ x। तो अब इसने करेक्ट क्यों दिखाया? अब देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसको कहा था नॉट, यानी कि x की वैल्यू 1 और 2 के अलावा, क्योंकि हमारे पास एक एलिफ स्टेटमेंट भी है, तो x की वैल्यू या ना तो 1 हो ना तो 2 हो, तो जो हमारा जो प्रिंट होगा वो होगा करेक्ट वैल्यू ऑफ x, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 1 और 2 के अलावा कुछ भी होगी तो वो करेक्ट दिखाएगा, और अगर 1 और 2 इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी तो वह इनकरेक्ट दिखाएगा। इसी चीज़ के लिए हम नॉट यूज़ करते हैं, यानी कि इफ नॉट x इक्वल टू 1 देन प्रिंट करेक्ट वैल्यू ऑफ x। गाइस इसके लिए हम अपनी एलिफ स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर देंगे, क्योंकि इसके पास दो ऑप्शंस आ गई है, इसीलिए अब हम इसको कमेंट आउट करेंगे। अब मैं इसे रन करता हूँ, सेव करते हैं, रन करते हैं। तो अब आप देखना कि जैसे अगर मैं यहाँ पर 2 डालूंगा तो वो दिखाएगा करेक्ट वैल्यू, क्योंकि हमने इसको कमेंट आउट कर दिया। नॉट के लिए हमारे पास 2 कंडीशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ तो आप देख सकते हैं इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ x शो कर रहा है, क्योंकि हमने इसको कहा है कि अगर x की वैल्यू 1 के नॉट इक्वल हो तो ही ये शो करेगा इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ x। सॉरी, अगर ये जो x की वैल्यू है वो 1 के इक्वल होगी तो ही ये इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ x शो करेगा, नहीं तो ये करेक्ट वैल्यू ऑफ x शो करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ यहाँ पर हम लोग इसको मैं अनकमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से नॉट वगैरह सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है, फिर लगा रहने देता हूँ और मैं सबका, ठीक है। अब हम लोग इसको समराइज करेंगे, तो हम इसकी समरी की बात कर लेते हैं पहले। मैं इसको भी अनकमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बार सारा एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से कि आज की वीडियो में हमने क्या किया, ठीक है। सबसे पहले हमने 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए, x और y, ठीक है। अगर आपको वेरिएबल्स के बारे में नहीं पता तो आप मेरी वेरिएबल्स वाली वीडियो देख सकते हैं, फिर आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है। हमने 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए जिसमें वो इंट वैल्यूज को ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने इफ स्टेटमेंट्स क्रिएट करी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट, सॉरी स्टेटमेंट फॉर नॉट, यहाँ पर लिख देता हूँ, और यहाँ पर लिख देंगे लॉजिकल ऑपरेटर। अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी ऑपरेटर्स इन पाइथन वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर लिख देंगे कि इसकी 2 ही कंडीशंस होनी चाहिए, इफ और एल्स, इसमें एलिफ नहीं यूज होगी, ठीक है। तो इसके बाद हमने कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स वालों का यूज किया था, जैसे कि जिसमें मैं लिख दूंगा इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स
स्टेटमेंट्स, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। इफ एल्स स्टेटमेंट्स फॉर, यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू कॉमा लेस देन इक्वल टू कॉमा नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये सब मैंने यहाँ पर ऊपर इन सब के बारे में बता दिया। और यहाँ पर लिख देंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ से ये हटा देते हैं। और उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए हमने ये वाले यूज़ किए और उसके लिए हमने ये वाले यूज़ किए, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आपको इसमें बता दिया है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में भी इनका यूज़, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ भी कंडीशनल्स का यूज़। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय। चैनल को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। थैंक यू एंड बाय बाय।